this. In my last video, I taught you affirmative sentences of past indefinite tense, but today I am going to teach you negative sentences of past indefinite tense. आज हम past indefinite tense के negative sentences करेंगे, जिसका structure कुछ यूँ है. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट. उर्दू सेंटेंसेस में नहीं आता है, जबकि इंग्लिश में नहीं के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद वर्ब अब चेंज हो जाएगी. सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, और डबल इंटरोगेटिव और सिंपल इंटरोगेटिव में, इन सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है. प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म, और जबकि दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म ओनली यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल, ये एक टेंस में एक सेंटेंस लिख रही हूँ जो अफर्मेटिव है. हम कल चिड़ियाघर गए थे. वी वेंट टू जू यस्टरडे. अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं. हम कल चिड़ियाघर नहीं गए थे. वी, अब नहीं आ गया, यह नेगेटिव है पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. इसके लिए हम सब्जेक्ट के फौरन बाद डिड नॉट लगाएंगे. वी डिड नॉट. अब वेंट नहीं आएगा, जब डिड आ जाए तो इसके साथ फॉर्म कभी भी सेकंड इस्तेमाल नहीं होती. फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ओनली यूज होती है. वी डिड नॉट वेंट की जगह हम लगाएंगे गो, उसकी फर्स्ट फॉर्म. वी डिड नॉट गो टू जू यस्टरडे. उसने वालदेन का हुक्म, उसने वालदेन का हुक्म न माना. ही डिड नॉट ओबे, ये फॉर्म आ गई पहली, हिज पेरेंट्स. ये ऑब्जेक्ट टेंस में ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स. तुम लाहौर नहीं गए. देखो एंडिंग भी देखो, बड़ी ये आ गई, पास इंडेफिनिट टेंस है, फिर नहीं आ गया, पास इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है. अब इसमें सब्जेक्ट ले लें. सबसे पहले यू, नहीं के लिए हम डिड नॉट यूज करेंगे. अब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तुम लाहौर नहीं गए. यू डिड नॉट गो टू लाहौर. उन्होंने हमारी मदद ना की. उन्होंने ज़्यादा के लिए आया दे, नहीं के लिए आएगा डिड नॉट. जब आप एंडिंग से पहचान लें, उर्दू सेंटेंस के एंड से पहचान लें कौन सा टेंस है, तो उस को देखते हुए आप जो है ना इंग्लिश यूज़ करेंगे. दे डिड नॉट हेल्प, फर्स्ट फॉर्म आ गई हमारी, अस ऑब्जेक्ट आ गया. दे डिड नॉट हेल्प अस. नेक्स्ट एग्जांपल देखें. तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया. तुमने अपना वादा पूरा
नहीं किया। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू, तुम, यू डिड नॉट, पूरा ना किया, यू डिड नॉट फुलफिल, क्या नहीं पूरा किया वादा, तुमने अपना वादा, योर। अब यू को देखते हुए हम लगाएंगे योर, यू डिड नॉट फुलफिल योर प्रॉमिस। उसने झूठ नहीं बोला। अब ही भी हो सकती है, शी भी हो सकती है, उसने। अब हम इसके पहले ही यूज़ किया था उसने के लिए, अब हम शी यूज़ करेंगे। शी डिड नॉट, झूठ बोलने के लिए लगाते हैं, टेल अ लाई। मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया। आई डिड नॉट, मजाक उड़ाने की इंग्लिश होती है मेक फन। आई डिड नॉट मेक फन उसका। अब उसका लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, हर भी यूज़ कर सकते हैं, हिम भी यूज़ कर सकते हैं। मेक फन ऑफ हिम, सना ने मेरी एक ना सुनी। अब इसमें सब्जेक्ट जो है ना सना है, स्टार्ट में ले लेंगे, नहीं के लिए डिड नॉट लगाएंगे। सुनी की इंग्लिश होती है लिसन, मेरी के लिए लगाएंगे टू मी, सना डिड नॉट लिसन टू मी। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार नहीं किया। द पुलिस डिड नॉट, गिरफ्तार करने की इंग्लिश होती है अरेस्ट, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे डिड के साथ। द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द चोर की इंग्लिश होती है थीफ। In my next video, I will teach you interrogative and double interrogative sentences of past indefinite tense. Allah Hafiz.